तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोन रिन्यूअल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी लोन चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, 2 साल 5 साल से, और दोस्तों किसी कारण आप जो है अपना लोन जमा नहीं कर पाए हैं, ऐसे में आपके पास बैंक से फ़ोन आता है कि भाई बैंक में आके आप अपना अमाउंट जमा करें फुल पेमेंट के साथ। चाहे आपके पास 1 लाख का हो या फिर 50,000 का हो या फिर 2 लाख का हो, लेकिन दोस्तों आपके पास इतना अमाउंट, इतने पैसे नहीं है जिससे कि आप अपने लोन को चुका पाए। तो आप सोच रहे होंगे कि काश हमें थोड़ा समय मिल जाता जिसके कारण हम जो है हर मंथली किस्त देकर अपने लोन को चुका पाते। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लोन को रिन्यूअल करा सकते हैं दोस्तों, आपको आगे समय मिल जाता है जिससे कि आप हर मंथली अपनी किस्त देकर अपने लोन को चुका पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने लोन को रिन्यूअल कैसे करा सकते हैं और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको लोन रिन्यूअल कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जाएंगे तो दोस्तों आपको 1-2 डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, उसके बाद फिर से आपको अगले दिन बुलाएंगे और ऐसे आपको कई दिन लग जाएंगे जिसके कारण आपका जो लोन है वो काफी दिनों में रिन्यूअल होगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तुरंत ही आपका जो लोन है वो रिन्यूअल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो सबसे पहले आपका आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लीजिएगा, क्योंकि जब आप बैंक में लोन रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन को ही पूछेंगे। दूसरा आपका आता है 100 रुपए वाला स्टाम्प, जो कि PNB का नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 स्टाम्प और लेने हैं 10-10 रुपए वाले, और दोस्तों वो स्टाम्प उसके नाम होने चाहिए जिसके नाम लोन चल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है आधार कार्ड, उसके बाद आपका पैन कार्ड, और उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी आपको देना है, जिस मोबाइल नंबर को आप यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर भी आपको अपने बैंक में दे देना है। और उसके बाद आपका जो लोन है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर रिन्यूअल हो जाएगा और आप हर मंथली किस्त दे के अपने लोन को चुका पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।